तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको तुम्बाड़ मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो कहानी स्टार्ट होती है पूर्ति की देवी से, जो कि अपार सोने और अनाज की देवी होती है। और इस मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तब देवी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था, पर उनको सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पहली संतान हस्तर को था। और देखा जाए तो आज के वक्त हस्तर का जिक्र कहीं देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हस्तर देवी का सारा सोना और अनाज अपने लिए चाहता था। सोना तब अपनी मनमानी से ले लिया था, पर अनाज लेने गया तो बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले से उसे पूर्ति की देवी ने बचा तो लिया, पर उसे बचाने के लिए एक शर्त रखी कि उसकी पूजा कभी नहीं की जाएगी और उसे हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग तक हस्तर अपनी माँ की गोद में सोता रहा, और कुछ वक्त बाद कुछ लोगों ने हस्तर के नाम का मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि उस दिन से बाकी देवी देवताओं का प्रकोप उस गांव तुम्बाड़ पर बरस रहा है। अब फिल्म की शुरुआत होती है 1918 के तुम्बाड़ गांव से। वहां हमेशा की तरह बारिश हो रही है, और तभी एक औरत बड़ी सी हवेली की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। वहां पे एक बूढ़ा आदमी होता है। वहीं एक कमरे में हस्तर की मूर्ति रखी होती है, और उसके हाथ में एक गोल्ड कॉइन होता है। वो औरत उससे गोल्ड कॉइन मांगती है, तो वो उसे मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बारिश में भीगते हुए उस औरत के दो बच्चे घर की ओर आते हैं, और जब वह घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां ताला लगा हुआ मिलता है। उन्हें पता होता है कि उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाना है, तो वो ताला खोलकर अंदर जाते हैं, और बड़ा भाई विनायक उसके लिए खाना बनाता है और छोटे को उसे खिलाने के लिए भेज देता है। तभी उनकी माँ आ जाती है और उन दोनों को एक एक थप्पड़ लगाती है, और खुद कमरे में खाना लेकर चली जाती है। वो उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाती है और उसके नाखून भी काटती है। रात को विनायक अपनी माँ से पूछता है कि उस आदमी ने क्या गोल्ड कॉइन दिए, तो उसकी माँ मना कर देती है, और उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं उसका बाप है। वह बोलता है कि उस बूढ़े आदमी से बोल दो कि अगर उसने हमें वो गोल्ड कॉइन नहीं दिया तो हम भी उसकी बुढ़िया का ख्याल नहीं रखेंगे। और तभी बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, और उसकी माँ कमरे में देखने जाती है, तो वह जाग जाती है। और तभी वो औरत बूढ़ी औरत को कहती है कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। यह सुनकर वो बूढ़ी औरत सो जाती है, और अगले ही दिन वो बूढ़ा आदमी मर जाता है, और वो औरत अगले ही दिन तुम्बाड़ छोड़कर पुणे जाने का फैसला लेती है। पर उसका बेटा राजी नहीं होता, उसे लगता है कि हवेली में कुछ खजाना है, तो वह अपनी माँ से कहता है क्यों ना हम लोग हवेली जाएं। लेकिन उसकी माँ उसे इस बात पर बहुत मारती है, और सुबह पुणे निकल जाने की बात कहती है। बाहर उसका छोटा बेटा पेड़ पर चढ़ा होता है, और वह फिसल कर गिर जाता है, और उसके सर पर पत्थर लग जाने के कारण उसका सर फूट जाता है। अब उसकी माँ विनायक को घर अकेला छोड़कर छोटे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है, और कहती है कि आज विनायक को अकेले ही उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाना होगा, और अगर वह नींद से जाग जाए तो उसे कहना कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। जब वो अंदर देखता है तो खाना जल चुका था, और वो बूढ़ी औरत भी जाग चुकी थी। और वह बूढ़ी औरत उसके पास आती है, और उसे पकड़ के अपने कमरे में ले जाती है, और खाना चाहती है। उस बच्चे को याद नहीं आता कि उसकी माँ ने उसे क्या शब्द बताया था, और वो उसे खाने वाली होती है। तभी उसे शब्द याद आते हैं, और वो उसे सुला देता है। उस बूढ़ी औरत को हस्तर का वरदान था कि वह कभी मर नहीं सकती, चाहे उसका पूरा शरीर ही क्यों न सड़ जाए। उसका केवल दो काम था, खाना और सोना। जब वो उसे सुला देता है तभी उसकी माँ आ जाती है और रोने लगती है। कहती है कि उसका भाई मर चुका है और वो लोग तुम्बाड़ छोड़ के जाने वाले हैं। तभी विनायक कहता है कि क्यों ना हम उस बुढ़िया को बांध कर उससे खजाने के बारे में पूछे। तो उसकी माँ उसके लालच पर बहुत मारती है, और दोबारा वापस न आने को कहती है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि विनायक राव 15 साल बाद फिर खजाने के लिए वापस आता है, और वह अपने पुराने घर में जाता है जहाँ वह बुढ़िया अभी भी जिंदा थी, और उसकी पूरी बाड़ी सड़ चुकी थी। विनायक राव उसे खजाने का पता पूछता है, वह बदले में उसकी मुक्ति मांगती है। वह कई महीने बाद पुणे आता है, और अपने साथ बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लाता है, और वह घर आता है और अपनी बीवी के साथ थोड़ा घपाघप करता है। फिर वह गोल्ड कॉइन अब एक राघव नाम के बंदे के पास ले जाता है, जिससे वह उसे उधार ले रखा था, और अब वह सारा उधार चुका देता है, और कई बार तुम्बाड़ जाता है और स्वर्ण मुद्राएं लाकर राघव को बेचने लगता है। राघव सोचता है कि इतने सारे गोल्ड कॉइन लाता कहाँ से है। विनायक राव उसका राज अपनी बीवी तक को नहीं बताता था।
राघव विनायक से पार्टनरशिप करने के लिए कहता है, पर विनायक उसे साफ मना कर देता है। कुछ दिन बाद राघव अपनी काम वाली को उसके यहाँ खबरी के तौर पर लगाता है, पर वो रात को बताती है कि राघव ने उसे तुम पर नजर रखने के लिए भेजा है। तब विनायक को बहुत गुस्सा आता है और प्लान बनाता है और तुम्बाड़ की तरफ निकल जाता है। उसके पीछे पीछे राघव भी जाता है। विनायक राव देवी की कुप का रास्ता दिखाता है और उसे पता नहीं होता कि अंदर क्या है और वह वहां चला जाता है। उसे वहां एक बॉक्स में जब वो खोलता है तो उसमें उसे गीले आटे की एक गुड़िया मिलती है जिसको खाने के लिए वहाँ हस्तर आ जाता है। राघव डर जाता है और हस्तर उसको काट लेता है और उसकी हालत उसी बुढ़िया जैसी हो जाती है और वो देवी की कोख में फंस जाता है। और कुछ वक्त बाद विनायक जाता है और वहाँ आटे का गोला बनाता है जिसके अंदर वह खड़ा होता है। फिर वह गीले आटे को निकालता है और वहाँ हस्तर आ जाता है। वह उससे मजे लेता है और परेशान करता है क्योंकि हस्तर उस आटे के गोले को पार नहीं कर सकता था, नहीं तो वह जलकर नष्ट हो जाएगा। फिर वह उसे गीले आटे को खाने को देता है और उसके पीछे बंधी पोटली से गोल्ड कॉइन गिरते हैं और वह उसे बटोरता है और वहां से चला जाता है। ऐसे ही वह कई साल तक करता रहा और वह काफी अमीर बन गया था, जिसको एक लड़की और दो लड़के थे, उसकी बीवी और एक काम वाली बाई। वह अब वक्त के साथ बूढ़ा होता जा रहा था। उसने अपने बेटे को तैयार करना शुरू कर दिया था और उसे रस्सी चढ़ने की प्रैक्टिस करवाता था। एक दिन जब वह अपने को साथ लेके जाता है तो वह रास्ते में उसे सब कुछ बताता है। तुम्बाड़ पहुंचने के बाद वो लोटे को गीला करके उसकी गुड़िया बनाते हैं, पर विनायक गीले आटे की गुड़िया को फेंक देता है। वो कहता है कि आज बस प्रैक्टिस करने आए हैं। वह नीचे उतरते हैं। उसका बेटा देवी की कोख देख कर डर जाता है। विनायक उसे सूखे आटे के बारे में बताता है क्योंकि वो सारा अनाज लेना चाहता था पर ले नहीं पाया, इसीलिए उसे अनाज से भूख भी है और वो डरता भी है। हस्तर गीले आटे की गुड़िया को ही खाता है। यह सुनकर उसका बेटा डर जाता है और बताता है कि वह थोड़ा सा गीला आटा अपने साथ लेकर आया है और तभी वहाँ हस्तर आ जाता है और आटा कम होने की वजह से वह हस्तर की तरफ फेंक देता है और रस्सी से ऊपर की तरफ भागता है। उसका बेटा उसकी पोटली से थोड़ा गोल्ड कॉइन ले लेता है और दोनों बाल बाल बच जाते हैं। ऊपर आते उसे बहुत मारता है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। विनायक उसकी पहली कमाई उसको देता है और उसे संभाल कर रखने को कहता है। पुणे वापिस आने के बाद विनायक हवेली खरीदने की बात करता है, पर वो हवेली जिस राजा के अंडर में आता था उसने वह सरकार को दे दी थी। वह जानकर विनायक राव परेशान हो जाता है और वह अपने बेटे को बताता है कि अब वह वहाँ नहीं जा पाएंगे और वो अपनी सारी कमाई दिखाता और कहता है कि हमें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। तब उसका बेटा उससे कहता है कि गोल्ड कॉइन हस्तर से नहीं उसकी पोटली से गिरता है, तो क्यों ना हम उसकी पोटली ही निकाल लाएं। यह सुनकर विनायक कहता है कि गीले आटे की एक गुड़िया खाने में हस्तर को ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो उसका बेटा उसे कहता है कि क्यों ना हम लोग बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाएं, जिसे हस्तर आटे की गुड़िया खाए तो हम लोग तुरंत दूसरी गुड़िया और उसकी पोटली चुरा कर वापिस आ जाएं। यह सुनकर विनायक बात मान जाता है और वह अपने बेटे को अयासियाँ करने ले जाता है। कुछ दिन बाद तुम्बाड़ वापस आते हैं और वो अपने साथ कई सारे आटे की गुड़िया लाते हैं। नीचे उतरते हैं और नीचे आकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके पास जितने सारी गुड़िया होती है वहाँ पे उतने सारे हस्तर आने लगते हैं। इसके पास एक आटे की गुड़िया होती थी तो एक हस्तर आता था, लेकिन इस बार बहुत सारी गुड़िया होने के कारण वहाँ बहुत सारे हस्तर उनके पीछे पड़ जाते हैं। इतने सारे हस्तर को देखकर उसका बेटा बेहोश हो जाता है और विनायक राव अपने बेटे को बचाने के लिए अपने शरीर पर सारी गुड़िया बांध लेता है और हस्तर को अपनी तरफ बुलाता है। वह सूखे आटे के गोले से बाहर निकल जाता है ताकि सभी हस्तर उसके पीछे आए और राव देवी की कोख से हस्तर के साथ बाहर आ जाता है। देवी की कोख के आसपास आटे का गोला होता है जिसे हस्तर पार नहीं कर पाता और विनायक का बेटा वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आके देखता है उसके पिता श्रापित हो चुके हैं, बिल्कुल बूढ़ी औरत की तरह, और यही हस्तर का श्राप होता है। जिसको भी काटेगा उसका यही हाल होगा। विनायक का बेटा उसकी ऐसी हालत देखकर डर जाता है और उस पोटली को नहीं लेता।
और हम विनायक राव के चेहरे पर हंसी देखते हैं। वह अपने बेटे को एक बात सिखाना चाहता था कि लालच बहुत ही बुरी बात है। उसका बेटा जान गया था कि लालच बहुत बुरी बात है, क्योंकि उसकी वजह से उसने अपने पिता को खोया। वह अपने पिता को मुक्ति देने के लिए उसे जला देता है और वह बिना पोटली लिए वहां से चला जाता है, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। इस मूवी को देखने के लिए आप हॉटस्टार VIP में जाकर देख सकते हैं। अगर आप VIP नहीं देख सकते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके कमेंट अनुसार अगली वीडियो लाता रहूँगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मेरे चैनल पर का ग्राफ बताता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियो देखते हैं। थोड़ा रहम कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।